आज गोंडा विधानसभा के भजनपुरा वार्ड में श्री दुर्गेश पाठक जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में समाज सेवक अरुण तोमर द्वारा यहाँ पे उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पूजा का आयोजन किया गया है, यहाँ पे हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया है और यहाँ पे क्षेत्र के सभी लोग मौजूद हैं और यहाँ के पूर्व विधायक सिद्धार्थ शर्मा जी मौजूद हैं अपनी पूरी टीम के साथ और यहाँ पे इस एरिया के सभी लोग यहाँ पे धीमे धीमे करके आ रहे हैं और इस पाठ का इस पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यह आयोजन अरुण तोमर जी ने किया है जो आम आदमी पार्टी में काफ़ी अच्छी पकड़ भी रखते हैं और काफ़ी समाज सेवा भी करते हैं इस पूरे एरिया में। उन्होंने आज यहाँ पे दुर्गेश पाठक जो कि आम आदमी पार्टी के गद्दावर कट्टर नेता हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी के, आप देखिए उनके आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में हनुमान चालीसा का पाठ करने का यहाँ पे एक आयोजन किया है। हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन करके यहाँ विधि विधान से आज दुर्गेश पाठक जी का जन्मदिन मनाया गया और अब यह पूजा पाठ समापन की ओर है। यहाँ पे भगवान हनुमान जी की आरती आराधना करके उनका अभिषेक करके उनकी पूजा करके दुर्गेश पाठक जी के लिए लंबी आयु और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ क्षेत्र विधायक श्री दत्त शर्मा जी, अरुण तोमर और यहाँ पे ऐसे ही गणमान्य व्यक्ति लोग मौजूद रहे जिन्होंने इसमें अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी दिखाई, लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया, क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे, सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और समाज के सभी वर्ग के लोग भी इसमें लगातार अपनी भागीदारी इसमें दिखा रहे हैं और बढ़ चढ़ कर इस जन्मदिन को सफल बनाने के लिए और भगवान से प्रार्थना करके उनकी दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आए हुए सभी भक्तों की, जो अभी तक नहीं आए उनकी भी, जो भंडारा के टाइम आएंगे उनकी भी, बोलो बालाजी महाराज की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। मालाधीर सुगंधिनी मालत्यारीर वे प्रभु, बोलो बालाजी महाराज की जय। शर्मा जी, आज दुर्गेश पाठक जी का जन्मदिन है, इस तरीके का आयोजन आप लोगों ने किया है, इसको कैसे देखते हैं और समाज के कितने लोग आपके इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित कर रहे हैं और कितना सपोर्ट कर रहे हैं? आज हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दुर्गेश पाठक जी, MCD प्रभारी, PAC के मेंबर दुर्गेश भाई का जन्मदिन है। मैं दुर्गेश भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से विनती करता हूं दीर्घ आयु के लिए। आज का जो कार्यक्रम है आज हमारे चारों वार्डों में हो रहा है, यानी कि लगभग लगभग पूरे जिले में आज ये जन्मदिन मनाया जा रहा है और इसे हम आप कह रहे हो किस उससे देखते हैं, भगवान के रूप भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा उनके लिए कर रहे हैं आज उनके दीर्घ आयु के लिए। अरुण जी, दुर्गेश पाठक जी का जन्मदिन इस तरीके से मनाना, ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया नहीं है, ये हमारा भगवान के प्रति आस्था है और हमारे बड़े भाई दुर्गेश पाठक के लिए प्यार है, जो ये क्षेत्रवासी और हमारे सभी लोग, सभी साथी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और जो क्षेत्रवासी हैं, इन सब लोगों ने ये चीज़ करा कि हमारे भगवान हनुमान जी और श्री जय श्री राम जिनका हम नारा लगाते हैं, भगवान भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, तो हम लोगों ने ये विचार किया कि दुर्गेश पाठक जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इससे बड़ा आयोजन कुछ नहीं होगा। यहाँ दुनिया राम के लिए जगह जगह चंदा इकट्ठा करिए, कुछ भी कर रही है, हमने अपने भगवान हनुमान जी के लिए और भगवान राम के लिए ये आयोजन किया है। इसके साथ साथ आप जैसे हनुमान चालीसा पाठ का यहाँ आयोजन किया, सभी क्षेत्रवासी यहाँ पे मौजूद हैं, विधायक भी मौजूद हैं, इसके अलावा आपने और क्या क्या अरेंजमेंट किया है आज हमारे? आज हमारा अरेंजमेंट ये है कि अब इसके बाद में हम लोग पौधों का वितरण का भी कर रहे हैं, ये तुलसी मैया का वितरण हम ये भी कर रहे हैं, अभी हम गमलों की सेटिंग करेंगे के बाद में वो भी करेंगे
और हम जगह जगह आयोजन आपको फॉगिंग का प्रोग्राम भी रखेंगे हम कि जहाँ मच्छर की जहाँ इतनी महामारी चल रही है, पानी भरा हुआ है और जो बारिश का इंतजाम की वजह से पानी भरा हुआ है, तो हम उस पर फॉगिंग करेंगे जिस वजह से मच्छर यहाँ पैदा ना हो ना डेंगू की बीमारी बढ़ सके। तो दुर्गेश पाठक जी के बर्थडे पे एक तरीके का समाज सेवा करके आप उनको गिफ्ट दे रहे हैं। जी जी जी, पाठक जी के बर्थडे पे जिस तरीके का समाज सेवा और एक आयोजन किया यहाँ पे, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है। देखो अरुण भाई हमारे ऐसे हैं कि पूरे कोरोना काल में भी वो जमीन पे काम किया हुआ है और समाज के लिए वो हमेशा समर्पित रहे हैं। और आज जैसे दुर्गेश भाई का जन्मदिन उन्होंने एक यादगार बना दिया है, भंडारा और भी रखा हुआ है और जो हनुमान चालीसा के द्वारा उन्होंने शुभारम्भ किया है इसका, और ये हमेशा हमें याद रहेगा। और बहुत अच्छी बात है कि कोई केक काट के या किसी बड़े लीडर को हमने यहाँ पर बुला के ऐसे नहीं किया और हनुमान जी का नाम लिया, भगवान का नाम लिया। आपने अभी देखा कि आज भजनपुरा वार्ड के अंदर अरुण तोमर द्वारा अपने ऑफिस में एक हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ क्षेत्र की जनता के लिए भंडारे का प्रसाद का आयोजन किया गया है और यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आप देखिए, ये सभी वो लोग हैं जो इस क्षेत्र के निवासी हैं और आज दुर्गेश पाठक जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में यहाँ पर यह भंडारा और सुंदर पाठ हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया था। ये एक अच्छी पहल है, किसी के बर्थडे पे केक काट के उसको एक दूसरे के ऊपर फेंक के या इस तरीके की हरकतें करके जो केक काट के उसकी बेइज्जती करते हैं या जो भूखों को वो ना दे के उनका अपमान करते हैं, वह ना करके एक सामाजिक काम करके लोगों को प्रसाद वितरण करके हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन करके किसी नेता या किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन मनाना एक अच्छी चीज़ है। और इस तरीके से ही सही मगर समाज में अगर ऐसे ही कार्य होते रहें तो समाज के लिए भी अच्छा है और यह लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, लोगों को इससे सीख मिलती है और साथ ही साथ लोग इन चीज़ों से आगे प्रेरित होंगे, अपने पैसे अपनी चीज़ों का वेस्ट ना करके लोगों को प्रसाद के रूप में भगवान की आराधना के रूप में अगर याद किया जाए तो ये बहुत अच्छी पहल है अरुण तोमर द्वारा भजनपुरा वार्ड के अंदर। न्यूज़ भारत टीवी भजनपुरा दिल्ली।